हे गाइज, दिस इज़ रूपा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इट्सी बिट्सी मोमेंट। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ से आप एक दुपट्टा से कैसे 5 स्टाइल का मतलब कैरी कर सकते हो, और इस स्टाइल को आपको कैरी करने में सिर्फ लगेंगे 2 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और अगर जो होता है ना, बहुत सारे लेडीज़ सोचते हैं सर यार मैं एक दुपट्टा को मैं तंग आ गई हूँ एक ही स्टाइल से कैरी करते हुए, तो मैं और क्या कर सकती हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और आई जस्ट होप कि आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको ब्यूटी रिलेटेड हॉल रिव्यू एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहला जो हमारा लुक है, जो मैंने दुपट्टा कैरी किया है, ये है एक जैकेट स्टाइल। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना दुपट्टा लेना है, उसको आपको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको दोनों साइड का जो होता है ना कॉर्नर साइड को लेके आपको वहाँ पर नॉट लगानी है, मतलब एक आप गांठ बांध लीजिए अपने तरीके से, आपको जैसे एक या दो, तो आप ट्राई कीजिए से 2 छोटा छोटा सा नॉट बना ले। नॉट बनाने के बाद जब उसको आप ओपन करेंगे ना, तो आपको हाथ घुसा के लिए 2 आपको वहां पे मिलेंगे, मतलब जैसे हम अपने हाथ को इन करते हैं ना टी शर्ट के अंदर, वैसे आपको मिलेंगे। तो उसको अपने पीछे के साइड से लेके आगे आप उसको जैकेट की तरह पहन लीजिए। तो ये रहा हमारा पहला दुपट्टा स्टाइल, जैकेट स्टाइल, इसको जैकेट स्टाइल दुपट्टा बोलते हैं। तो आप एक अपने लाइक सिंपल से दुपट्टे को कैसे एक आप जैकेट के तरीके से पहन सकते हो, और तो सोचिए एक सिंपल सा दुपट्टा आपका पूरा लुक चेंज कर देगा आपके ड्रेस को। और ये स्टाइल आप अपने लहंगा के साथ भी कैरी कर सकते हो, तो लहंगे के ऊपर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो हुआ ना एक नया डिफरेंट सा स्टाइल एक सिंपल से दुपट्टे से। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका दुपट्टा कैरी करने का है, तो वो है एकदम ही सिंपल सा, मतलब नॉर्मली हम कैरी गले में ऐसे करते हैं, साइड में करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका दुपट्टा लेना है पीछे के साइड से लेके आगे आपको इस वाले हैंड पे दोनों साइड में अंदर के तरफ लेके आना है। तो ये एकदम सिंपल तरीका है जिसको आपको करने में, देखिए 1 मिनट लगा, मैंने 2 मिनट बोला था, इसको करने में आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अगर आपके पास दुपट्टा होता है ना, आपके जैसे गले का जो डिज़ाइन है बहुत ही हेवी है, और आप चाहते हो सो इसको थोड़ा सा आप शो करो, और मतलब डिज़ाइन और थोड़ा सा इन्हेंस हो, क्योंकि दुपट्टा अगर हम सामने से रखते हैं तो वो डिज़ाइन खुल के नहीं दिखता है हम जब भी हम बाहर जाते हैं। तो उस इस तरीके के जो भी आपके पास ड्रेसेस है ना, उसमें आप दुपट्टा इस तरह का कैरी कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जो सामने के जो भी आपके जैसे ब्लाउज लहंगा पहन रहे हो या सलवार में जो भी फ्रंट के डिज़ाइन होंगे ना, वो सामने खुल के दिखेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप अपना दुपट्टा ऐसे दोनों हाथों पर लेके अंदर की साइड कैरी कर सकते हो, और ये बहुत ईजी है कैरी करना, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम बढ़ते हैं थर्ड स्टाइल की तरफ। तो थर्ड स्टाइल में मैंने क्या किया है, मैंने अपने दुपट्टे को सिंपल ही रखा है, उसे मैंने साइड अपने एक शोल्डर पे रखा है, आप जिस तरफ कंफर्टेबल हो लेफ्ट या राइट उस साइड रख सकते हो। और साइड में मैंने दुपट्टा रखने के बाद मैंने क्या किया है, पार्टीशन मतलब हाफ होता ना दोनों साइड का लेंथ आप मेज़र कर लीजिए, उसके बाद दुपट्टा को रखा है। अब पूरा मैंने उसको ऐसे ही सिंपल रखा है, मतलब उसको कुछ फोल्ड नहीं किया, सिंपली दुपट्टा आप यहाँ पर रखिए, और लेने के बाद यहाँ पर पिन से आप उसको सिक्योर कर लीजिए। सिक्योर करने के बाद जो पीछे का पार्ट है ना, उसको सामने लेके आप अपने हाथों में ऐसे रख के भी कैरी कर सकते हो, तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये भी बहुत ही सिंपल है, और इसको करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक सिंपल सा दुपट्टा को आप एक डिफरेंट लुक दे सकते हो। तो ये रहा हमारा थर्ड लुक। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फोर्थ लुक की तरफ। तो फोर्थ लुक में मैंने क्या किया है, मैंने सेम जो दुपट्टा मैंने यहाँ पे रखा था, और मैंने उसको जो पीछे लेके मैंने अपने हाथों पे रखा था, मतलब हाथों को लेके थोड़ा सा सामने रखेंगे तो वो भी अच्छा लगता है, पीछे से थोड़ा जो दुपट्टा का डिज़ाइन होता है ना वो दिखता है। तो उसको क्या करना है, जो पीछे के साइड का जो एरिया है ना, उसको आगे मतलब पीछे से लेके आना है, और उसका एक कॉर्नर लेके आपको उस साइड अपने जो आपकी पैंट होती है ना उसके अंदर थोड़ा सा उसको इंसर्ट करने, या आप वहाँ पिन से भी उसको सिक्योर कर सकते हो। तो उसको करने से देखिए एक सुंदर सा, मतलब बोलते हैं ना बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन हो गया दुपट्टे का, और इसे आप लहंगे पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने पर्सनली लहंगे के ऊपर भी किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो हमारा जो फाइनल दुपट्टा स्टाइलिंग है वो है
मतलब एक जैसे आपको क्या करना है, दुपट्टा लेना है, दोनों कॉर्नर को पकड़ना है, दोनों कॉर्नर को पकड़ने के बाद उसमें नॉट लगा लीजिए, या दोनों कॉर्नर को एक दूसरे के ऊपर रख के जो कॉर्नर होता है उसमें आप मतलब अपने पिन से सिक्योर कर लीजिए। सिक्योर करने के बाद उसे आप ना अपने मतलब लेफ्ट या राइट साइड में जिस तरह आप दुपट्टा कैरी करते हो वहाँ पर आप वहाँ पर रख लीजिए, और देखिए बहुत ही सुंदर सा एक स्टाइल आता है। ये बहुत ही ईजी है और मतलब बहुत ही सिंपल सा है और बहुत एक एलिगेंट लुक देता है, तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने रिसेंटली ये दुपट्टा मैंने अपने लहंगे के साथ कैरी किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये रहा मेरा 5 वे ऑफ कैरिंग दुपट्टा, जो आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।